मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क में देखो क्या करना है। डिस्क वैसे भी आनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। प्लस टू के अंदर चार्ज डिस्क के ऊपर बहुत क्वेश्चंस हैं, तो डिस्क कैसे काम करती है उसका बेसिक्स आपको पता ही होनी चाहिए। तो देखो अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक डिस्क दी गई और मुझे ये एक्सिस दिया गया और डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक, समझ लो प्लीज। ठीक, समझ लो। तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे आई निकालना है। मुझे अभी तक सिर्फ दो ही फॉर्मूले आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, एक पॉइंट मास का और एक रिंग का, बस। ठीक, डिस्क किससे बनी हुई है? अच्छा, डिस्क में मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है? ओवर इट्स एरिया, सरफेस एरिया, मास सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूशन है। और रिंग का एलिमेंट्री पोर्शन क्या है? रिंग किससे, डिस्क किससे बनी हुई है? बहुत सारी रिंग से, हमने सेंटर ऑफ मास में ये किया था। तो डिस्क रिंग से बनी हुई है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे आता है, तो मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं डिस्क में से इनफाइनाइट रिंग्स हैं उनमें से एक रिंग लेता हूं। तो वैसे तो डिस्क का मास एम ए और रेडियस कैपिटल आर है, और मैंने क्या किया, मैंने एक रिंग ले ली, कोई भी ये शेडेड पोर्शन रिंग है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर है। क्या है पॉइंट, क्लियर है? ये ले लिया। अब इस रिंग का मास इमेजिन कर लो डीएम है। अब डीएम क्यों? डिस्क के मुकाबले रिंग छोटा एलिमेंट है, और छोटा, अगर डिस्क का मास एम है तो रिंग तो उसका एक एलिमेंट है, तो एक रिंग का मास डीएम है और एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आता है। कैसे? एम आर स्क्वायर। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मास, इसका मास मैंने क्या अज्यूम किया, डीएम, और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो क्या बनेगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो ये स्मॉल मोमेंट इनर्शिया किसका निकला, रिंग का। रिंग का मोमेंट इनर्शिया कैसे निकलेगा, रिंग का मास, एक रिंग का मास और इनटू उसका रेडियस। पहला स्टेप क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, रिंग का मास निकालना है। डिस्क के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एरिया वाइज, एरिया वाइज है। एक काम करते हैं, बस पहले आप मुझे ये बताओ इस रिंग का एरिया कितना है, ये शेडेड एरिया। मैंने सेंटर ऑफ मास में एक शॉर्टकट भी करवाया था, दो मेथड से करवाया था, कि अगर इसका रेडियस आर है और थिकनेस इसकी डी आर है और ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो आउटर रिंग का एरिया माइनस इनर रिंग का एरिया, ऐसे करवाया था ना, आउटर रिंग का एरिया माइनस इनर रिंग का एरिया। आउटर रिंग का रेडियस कितना है, आर प्लस डी आर, और इनर रिंग का रेडियस कितना है, आर। तो इसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये कैंसिल हो गया, डी आर का स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लेक्टेड। तो मैंने एक शॉर्टकट कहा था, ये याद कर लो, मैंने कहा था रिंग का एरिया आज के बाद ऐसे मत निकालना, कैसे निकालना, सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। तो रिंग का एरिया कितना आ गया, 2 पाई आर इनटू डी आर। अब मुझे ये बताओ कि अगर पूरी डिस्क है, पूरी डिस्क का एरिया कितना है, पाई बड़ा आर स्क्वायर, तो पूरी डिस्क का मास कितना है, एम। अगर वन है तो एम बाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर रिंग का इतना एरिया है तो रिंग का मास कितना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डीएम आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, डीएम की वैल्यू आ गई इसमें, रिंग का मास क्लियर है कैसे आया। तो अगर डिस्क, क्योंकि रिंग तो डिस्क का ही पार्ट है, तो डिस्क का एरिया इतना है तो मास इतना है, वन है तो इतना है, और अगर एरिया रिंग का इतना है तो इतना, डीएम आ गया। इस डीएम को उठा के यहां पर पुट कर दो, ये रो, तो रिंग का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, स्मॉल आर स्क्वायर आर आर क्यूब हो गया, और अब इंटीग्रेशन करके ये एक रिंग का आया, डी आई आया। डिस्क का निकालने के लिए इस सभी रिंग्स को मिलाएंगे, मिलाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जीरो से आए स्मॉल आर। जो डिस्क में सबसे सेंटर पे रिंग डलेगी उसका आर जीरो होगा, पॉइंट होगा वो, और आखिरी जो रिंग होगी उसका रेडियस कैपिटल आर होगा, तो लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके कैपिटल आर। इसकी इंटीग्रेशन आर फोर बाय फोर है, पुट करें, कैंसल, आंसर हाईलाइट कर लो, हाफ एम आर स्क्वायर। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, एम आर स्क्वायर। रिंग का कितना आया था, एम आर स्क्वायर। डिस्क का कितना आया, हाफ एम आर स्क्वायर, याद रखना है।